NTA UGC NET यानी निमिज नेट ऐप, कंप्लीट स्टडी नोट्स, लाइव मॉक टेस्ट फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, ऑल ईयर क्वेश्चन पेपर 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर, लिंक गिवन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजनेट प्रो पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिसंबर 2019 में आईसीटी के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उन सभी पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि जो पीछे का जो हमारा सिलेबस है उनमें से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑल 10 यूनिट के स्टडी नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे ऐड फ्री 2012 से लेके जून 2020 तक, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे। आज तक जैसे कि रिसर्च के जो क्वेश्चन आए वो अलग है, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग हैं, और मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको वीडियोस दी जाएंगी, प्लस में नोट्स दिए जाएंगे। और दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है, हैप्पी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। अगर आप 3 महीने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 399 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं, और 6 महीने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 699 रुपये में ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर के बाद में ये इस कोर्स की फीस बढ़ने वाली है, तो जल्दी से जल्दी किसी भी दोस्त को अगर ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर 8053124204 पे हमें मैसेज कर सकते हैं, और लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। दिसंबर 2019 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन पे हम चर्चा करते हैं कि ये जो क्वेश्चन हैं कितने क्या कुछ डिफ़िकल्ट हैं। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ और वो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है हमारे सिलेबस के अंदर। ये देखिए दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं 2 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ये, और इसके अंदर कोई सा भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए। जैसे कि ये हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है, कंप्यूटर संबंधित कार्यालय में WORM का पूर्ण रूप क्या है। अब देखिए फुल फॉर्म हम पीछे करते हुए आ रहे थे और फुल फॉर्म 2012 से पूछते हुए ये आ रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है ये हमारा काफ़ी लंबे से चलता हुआ आ रहा है, तो ये कुछ नया नहीं है इसके अंदर। और आगे हम बात करें, जैसे कि ये देखिए 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने दिया है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, जो हमारी मेमोरी जो होती है उनको सही लगाना है, मेमोरी डिवाइसेस जो होती है उनको क्रम वाइज लगाना है। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमारे पहले आ चुके हैं, बहुत रिपीट हुए हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए ये जैसे कि ये हमारा जनवरी 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था और यहाँ पर इन्होंने मेमोरी साइज़ को क्रम वाइज लगाने के लिए कहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या आएगा, CPU रजिस्टर आएगा। ये जो होता है ये बहुत फास्ट मेमोरी होती है दोस्तों। देखिए यहाँ पे दो तरह की चीज़ें आती है, एक तो वो पूछेंगे कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, ये हो गया। उसके बाद साइज़ के हिसाब से वो पूछते हैं, तो इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट स्पीड, स्पीड के मामले में इन्होंने पूछा हुआ है। तो सबसे पहले CPU रजिस्टर आएगा, फिर आएगा कैश मेमोरी, और फिर आएगा मेन मेमोरी, फिर आएगा सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखिए ये हमारा नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है, इन्होंने यहाँ पे जो डेटा स्टोरेज है उससे क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या है, सबसे पहले हमारा बिट्स आएगा, फिर बाइट्स आएगा, फिर फील्ड आएगा, फिर रिकॉर्ड आएगा, फिर फाइल आएगा, फिर डेटाबेस आएगा। ये सभी चीज़ें दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इन सभी के आगे भी क्वेश्चन रिपीट होने की काफ़ी संभावना है। और अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है, और इसमें इन्होंने क्वेश्चन नंबर 39 में जो हमारी KB MB TB GB जो होती है उनमें से क्वेश्चन पूछ लिया, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों। इसमें देखिए जैसे इन्होंने आंसर नंबर 3 दिया है FBA। सबसे पहले दोस्तों हमारी जो आती है बिट आती है, फिर आता है बाइट आता है, फिर आता है किलोबाइट, फिर आता है MB यानी कि मेगाबाइट, और फिर क्या आता है हमारा GB यानी कि गीगाबाइट, और फिर आता है हमारा टेराबाइट TB आता है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेमोरी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं अलग अलग टाइप से। और आगे हम बात करें, ये देखिए दोस्तों ये आगे इसमें ये जून 2000
19 का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, 24 जून का पेपर है ये। और इन्होंने यहाँ पे जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती है उनमें से क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया। यहाँ पे इन्होंने इसका आंसर दिया है ए। ए में हम देखते हैं सबसे पहले सीडी रोम आता है, फिर डीवीडी रोम आता है, और फिर आता है ब्लू रे आता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आगे हम बात करें, ये देखें, ये हमारा फिर से 2 दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया था। इन्होंने फिर से सीडी रोम, हार्ड डिस्क और डीवीडी से क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसके अंदर जैसे इसका आंसर है ए, ए इन्होंने दिया है बी सी ए। बी सी ए हम देखते हैं सबसे पहले आएगा सीडी रोम, सीडी रोम, फिर आएगा हार्ड डिस्क, और फिर आएगा डीवीडी रोम यहाँ पे, ठीक है। और यही क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया हुआ है, 24 जून को यहाँ पे हम क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और कितने आसान हैं हमारे लिए। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए 3 दिसंबर 2019 को क्वेश्चन आया था ये, 41 नंबर क्वेश्चन। इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण युक्ति सर्वाधिक आंकड़ा संग्रहित करती है, यानी कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा स्टोरेज रखती है अपने पास। तो इसमें देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। तो यहाँ से हम सभी को पता है कि जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेमोरी हम रख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ये यहाँ पे अदर जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं उनके। तो हार्ड डिस्क में 1 TB, 10 TB पता नहीं कितना ही रख लो, बहुत ज़्यादा आई हुई है आज के टाइम में। और आगे हम देखिए यहाँ पे ये हो गया, तो आप देख सकते हैं कि कितने तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं मेमोरी से, मेमोरी को क्रम वाइज लगाने के लिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल आसानी से ये कर सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि जो दिसंबर 2019 में और किस तरह के क्वेश्चन आए हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, 41 हार्ड डिस्क, सी डी रोम, डी वी डी रोम, ये क्वेश्चन कर लिया। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए एक ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है कंप्यूटर से संबंधित गतिविधियों में किसी भाषा अनुवादक के वर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुपयुक्त है। देखिए इसका आसानी से मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज जो होती है उसको ट्रांसलेट करने के लिए इनमें से कौन सी यूज़ नहीं की जाती, वो यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है। तो असेंबलर यूज़ की जाती है, कंपाइलर भी यूज़ की जाती है, और इंटरप्रेटर ये भी यूज़ की जाती है, लेकिन कोडेक जो है दोस्तों वो ट्रांसलेशन के लिए यूज़ नहीं की जाती। और कंपाइलर असेंबलर से दोस्तों पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इतना कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। ये आया था हमारा, ये देखिए जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर यहाँ पे ये देखिए एक तो ये हो गया, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार मशीनी भाषा में अनुदित करता है उसे कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने हिंदी में दिया हुआ है, हम इंग्लिश में देखते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे 36, ये देखिए ये रहा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट ए प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, दैट ट्रांसलेट ए प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इनटू मशीन लैंग्वेज, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, जो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज में, तो उसे हम कहेंगे डी इंटरप्रेटर, उसे हम कहेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और ये देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे आया था, ये देखिए कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तित करता है, कंपाइलर क्या होता है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे इन्होंने आंसर नंबर बी दिया है, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। अब चाहे तो यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए दोस्तों ये रहा, कंपाइलर इज ए सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट बी हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। तो दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक रिपीट हो रहे हैं और कितना आसान हम उनको कर सकते हैं। और दोस्तों
और एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये देखिए जैसे जून 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक आईसीटी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना वो हमने अलग कर रखे हैं, रिसर्च के क्वेश्चन अलग किए हुए हैं और टीचिंग के क्वेश्चन अलग किए हुए हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के क्वेश्चन हमने अलग अलग किए हुए हैं। अगर किसी भी दोस्त को ये स्टडी नोट्स चाहिए, ये पेपर चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आगे हम देखते हैं दोस्तों दिसंबर 2019 में ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी ये चल रहा है हमारा, हाँ ये आ गया दिसंबर 2019 का, ये हमने कर लिया। हाँ ये देखिए दोस्तों, ये इन्होंने फिर से जो मैं आपको पहले भी ये वीडियो करवा चुका हूँ, फुल फॉर्म की जो वीडियो वो हमने पहले कर ली है। वीडियो यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया कि वीडियो की फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट इसका आंसर है दोस्तों। आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, आंसर नंबर 3 विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका आंसर विजुअल डिस्प्ले यूनिट है दोस्तों, ध्यान रखना इन चीज़ों को। और इसमें थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं हम, ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों का। और इसके बारे में मैंने वीडियो करवाई हुई है आपको पहले, जितने भी अपनी फुल फॉर्म है इम्पोर्टेंट वो सभी मैंने आपको बताई हुई है और हमने नोट्स भी बना रखे हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे आईसीटी का ये रहा हमारा नोट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं जैसे फुल फॉर्म, ये तो हमारी वो होगी, ये रही हमारी फुल फॉर्म यहाँ पे। तो ये अगर आप नोट्स लेना चाहे तो नोट्स भी हमसे ले सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर, ये भी हो गया हमारा कंपाइलर असेंबलर वाला हो गया और हार्ड डिस्क का ये भी हो गया हमारा और ये फुल फॉर्म वाला भी हो गया। और आगे आते हैं दोस्तों मेमोरी साइज़ के बारे में, जैसे KB, MB, GB इनके साइज़ होते हैं, तो इनके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले बताया हुआ है और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है आज तक, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों जो कि बिल्कुल नया हो, अलग हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ पहले वाला ही रिपीट हो रहा है। और ये देखिए दोबारा से फिर इन्होंने फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ ली, PCI की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ ली और इन्होंने फिर डेटाबेस WOS की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ ली। तो आप देख सकते हैं कि फुल फॉर्म से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक देखिए दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42 साइबर एड्रेस, यानी कि जो URL जो होती है उसके क्या क्या एलिमेंट होते हैं वो हमें बताना है। तो इसके अंदर इन्होंने आंसर नंबर एक दिया है, सबसे पहले हमारा प्रोटोकॉल कॉल आएगा, फिर होस्ट के डोमेन का नेम आएगा और फिर पाथ या फाइल का नेम आएगा। चलिए इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए प्रोटोकॉल जो होती है हमारी ये होती है, जैसे यहाँ पे दिया हो ना HTTPS, इसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल कहते हैं। उसके बाद में जो डोमेन नेम है, यहाँ पे ये देखिए होस्ट के डोमेन का नेम, डोमेन नेम यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों UGCNetOnline.in, ठीक है, ये हो गया हमारा डोमेन नेम, डोमेन नेम ये हो गया हमारा। और उसके बाद है दोस्तों पाथ फाइल, इसका मतलब है दोस्तों ये देखिए स्लैश करके सिलेबस न्यू, यहाँ पे ये दिया हुआ ना, ये फाइल का पाथ है, यानी कि कहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है। तो जो एक हमारी URL होती है, तो URL के ये हमारे कंपोनेंट होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों URL से रिलेटेड पहले काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत रिपीट हुए इनमें से, तो ये आप थोड़ा ध्यान में दे लेना। और आगे हम बात करें जैसे कि ये हो गया हमारा स्वयं हो गया, उमंग हो गया, भीम हो गया, तो ये सभी क्वेश्चन थोड़े से हम कह सकते हैं नए आए हैं, लेकिन ये हमारे दिसंबर 2018 में आए थे, जून 2019 में आए थे। भीम है, भीम हमें हम सभी को पता है कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए होता है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे कौन से क्वेश्चन हैं। आगे ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है कि कुछ दोस्त कहते हैं सिलेबस चेंज हो गया, पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं है दोस्तों, आपके सामने हैं जो कुछ है लाइव मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये हमारा 5 दिसंबर 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और यहाँ पर इन्होंने देखिए जो हमारी इनपुट डिवाइस होती है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है वो हमें बताना है। तो इन्होंने आंसर नंबर 4 दिया है, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, डिजिटाइजर,
ये सभी क्या है, हमारी इनपुट डिवाइस है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे ये देखिए, ये हमारा जैसे मैंने आपको जो बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर की जो अभी वीडियो की है, हमने पीछे तीन वीडियो किए उनमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये। और आगे हम बात करें, ये देखिए, ये हमारे जो वेब ब्राउज़र है उनमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है और ये वेब ब्राउज़र से रिलेटेड पहले भी काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सब कुछ वही है दोस्तों, जो टॉपिक है वो रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, तो बिल्कुल आसान है। अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो बिल्कुल आसानी से नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। और आगे हम बात करें दोस्तों, ये देखिए, ये हमारी इन्होंने पूछ लिया साउंड की जो फाइल होती है उनकी एक्सटेंशन इन्होंने पूछ ली, क्या क्या एक्सटेंशन है। ये देखिए आंसर फोर दिया इन्होंने, मीडी हो गया, वेव हो गया, WMA हो गया, MP3 हो गया, ये सभी हमारी ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैंने आपको पहले वीडियो करवाई हुई है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और मैं वही बात दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी हमने ये देखिए सभी फाइल एक्सटेंशन वगैरह यहाँ पर दी हुई है, सभी सब कुछ हमने इन नोट्स में कवरअप किया हुआ है। तो अगर कोई चाहे ये नोट्स लेना तो ले सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी फाइल एक्सटेंशन आ गई यहाँ पे, ये देखिए, जैसे मीडी की बात की थी ना, ये रहा मीडी यहाँ पे, तो हमने सब कुछ कवरअप किया हुआ है। तो किसी को ये नोट्स लेने तो ले सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। और आगे हम बात करें दोस्तों कि आगे कौन से क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं, ये देखिए बिल्कुल आसान है दोस्तों। आगे फिर से आ गया 6 दिसंबर 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, और यहाँ पे इन्होंने देखिए जो हमारी टेक्स्ट फाइल जो है ना उसका फॉर्मेट पूछ लिया, उनकी जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे पूछ ली। इसका आंसर नंबर 2 यहाँ पे दिया है, CSV हो गया, RTF हो गया, TXT हो गया, ये सभी क्या है, हमारे टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये देखिए, जैसे ये लैन मैन वैन है, ये क्वेश्चन भी हमारे काफ़ी रिपीट हुए और इनके बारे में भी मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। तो अगर किसी दोस्त ने कोई वीडियो मिस हो गई है तो आप हमारे NIMIGNTA प्रो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके सभी की सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि ओल्ड पेपर आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, अगर आपको नेट और JRF क्वालिफाई होना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे ना दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताना, और क्या हम आगे भी ऐसे ही और वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं, क्योंकि दोस्तों आपके जो कमेंट होते हैं उन्हीं से हमें पता चलता है कि हमें आगे किस तरह से काम करना है। तो आप हमें ज़रूर ज़रूर कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताना कि क्या हमें आगे और जो टॉपिक है उनकी ऐसे ही वीडियो बनानी चाहिए, कि दिसंबर 2019 में जो जो क्वेश्चन आए उन पर हम डिस्कस करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।